नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ही मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हिंदी में ही बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे रिप्लाई देना है हेमा चौधरी। हेमा चौधरी जी, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या बनना है, मर्द या औरत। मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि तूने ये शब्द यूज़ किया था कि नोटिस या नागा चिंकी है। हम चिंकी है या नहीं, आप ही फैसला कर दिया। इसलिए आप तो फैसला कर लीजिए कि तू मर्द बनना है या औरत। सेकेंडली, नॉन वेज या वेज, वेजिटेरियन खाता है या नॉन वेजिटेरियन खाता है। वही बात पे मैं बोलना चाहता हूँ कि तूने पहले वीडियो में ऐसे ही बोला था कि तू मटन खाते हैं, मटन यानी नॉन वेज। इसलिए नॉन वेज मीट मतलब मीट होते हैं, चाहे वो बकरी बकरा का हो या कुत्ता का। इसलिए पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। बार बार यही कुत्ता, नागा, फकिंग नागा, ये तू क्या कह रहे है? इज्जत देता हूँ कि तुम्हें एनिमल्स लवर है, एनिमल्स से प्यार करना कुछ गुनाह तो नहीं है, इसलिए प्यार कीजिए। इज्जत करता हूँ, सबको प्यार भी करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नागास फकिंग फकिंग नागास ये बोलने का तुम्हारा कुछ कोई भी हक नहीं। ये चिंकी, ये भी बात अच्छा नहीं लगा। पूरा नागास के तरफ से मैं ये बात आज खोल के कह रहा हूँ कि हेमा चौधरी, तू कुछ भी नहीं है। बात कही थी ना कि कुत्ता भी अपना गली में तो शेर होते हैं। अपना अपने ही आपको बोल रहे हैं। अरे तूने शुरू किया, किसने पहले शुरू किया? हिम्मत है तू नागालैंड में आ, नागास को गला काट देगा, बोला ना, आ आके काट के देखा। महाराष्ट्र में भी नागास लोग बहुत है। अरे इनके सामने जाके बाक बाक के देखा। और ये जो तू बात कह रही है ना, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब मालूम है? जो नहीं है फिर भी है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिपोक्रेसी। खुद तो मांस खाते हैं, दूसरा को मांस खाने से फकिंग बोल रहे हैं। कुत्ता का मांस इलीगली कुत्ता बेचना और कुत्ता काट के खाना, मैं भी उसके खिलाफ है। फिर भी कुत्ता खाना ना खाना वो पर्सन के ऊपर डिपेंड होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन वन चॉइस टू ईट, वेदर टू ईट डॉग्स मीट और नॉट। सो यू हैव नो राइट टू डू दैट। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यू कैन इंटरफेयर इन दैट। जो कुत्ता इलीगली नागालैंड में ट्रक ट्रक लेके आके बेचते हैं, मैं भी उनके खिलाफ है। फिर भी इसके मतलब नहीं है कि नागास को गला काट देगा। नागास आर फकिंग, वो इसका मतलब नहीं होते। बॉयकॉट नागास क्यों, किस बात के लिए? नागास को किस बात के लिए बॉयकॉट करना है? अगर इतनी सी भी नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा कि नागा सोल्जर्स आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया इवन टुडे। बॉयकॉट नागास, बॉयकॉट नागास फ्रॉम वेयर, किस बात के लिए? इतनी नफरत नागास के लिए क्यों? यही नफरत के कारण, तुम जैसे लोग के नफरत के कारण
नागास को अपना हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। और हेमा चौधरी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जानवर को इतना प्यार है तो पहले इंसान से प्यार देना तो सीखो। फर्स्ट लव ह्यूमन बींग्स एंड देन गो टू लव टू एनिमल्स। एक्चुअली आई एम नॉट अगेंस्ट यू फॉर लविंग द एनिमल्स, बट यू मस्ट नो दैट ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर देन द एनिमल्स। पहले इंसान इंसान से तो प्यार करना सीखो। इतनी भी तमीज नहीं है इंसान को बात करना, तो कैसे जानवर को प्यार दे रहे तू? नागास या नोटिस चिंकीस क्या क्या बोलती है तू? इवन नागास आर अगेंस्ट द चाइनीज एप्स। अभी चाइना और इंडिया का बीच में क्या सिचुएशन चल रहा है वो मालूम है? सब चाइनीज सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं, ऐप्स बॉयकॉट कर रहे हैं। नागास में भी ऐसे बहुत पेट्रियटिज्म है कि वो चाइनीज ऐप्स डिलीट कर रहे हैं, फिर भी बॉयकॉट करना है इंडिया नागास को। इवन टुडे नागास सोल्जर्स आर बीइंग पोस्टेड इन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। नागास के लिए इतना नफरत दूसरों का दिमाग में भरना, इसका क्या मतलब है? इसका क्या रीजन है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉग। यू ईट मटन एंड यू आर नॉट अलोइंग अदर्स इवन टू ईट डॉग। मीट इज मीट। नागालैंड गवर्नमेंट ने अभी इलीगल सेलिंग ऑफ डॉग एंड कटिंग ऑफ डॉग बैन किया है। अभी ये जो इलीगल सेलिंग कुत्तास जो ट्रक में भर भर के लाता है, वो कुत्ता कहाँ से लाता है और कौन लाता है मालूम है? नागास वो जाके नहीं लाते हैं, लाता कोई और है। हिम्मत है तो इनसे लड़। जो कुत्ता ट्रक में भर भर के लाता है ना, इनको जाके लड़। ये इतनी नफरत फैलाने का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, किस किस का नाम ले रहे हैं। फिर नागालैंड गवर्नमेंट कुत्ता का मांस बन तो मेनका गांधी भगवान क्या बोलती है? अगर तुमको हिस्ट्री मालूम नहीं है तो शायद किसी से पूछ लेनी चाहिए कि नागास आर वेरी पेट्रियोटिक। जब अंग्रेजों से इंडिया लड़ रहे थे तब भी देर वर मैनी पेट्रियोट्स फ्रॉम नागालैंड। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ रानी गाइदिन्यू। फ्रीडम फाइटर है, एक फ्रीडम फाइटर है नागालैंड से जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। हम खुद ये सोचते हैं कि हम इंडियन हैं, लेकिन तुम जैसे लोग जब ऐसी बात मुंह से निकलते हैं तो सोचते हैं कि हम इंडियन हैं या और कोई और है। आस्किंग द होल वर्ल्ड टू सपोर्ट यू बिकॉज यू लव एनिमल, कॉवर्ड। हिम्मत है, खुद लड़, दूसरा को क्यों घसीट रहे? पूरा दुनिया को। पहले इंसान को इज्जत कर, फिर जानवर को प्यार दे। इतनी नफरत ह्यूमैनिटी में फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। हम नागास भी इंसान है, वी विल कंटिन्यू टू लिव एज ए ह्यूमन। बचपन से या पहले अपना कल्चर ट्रेडिशन से ही कुत्ता खा के आया, तो कोई कोई कुत्ता का मांस भी नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म भी ऐसे है नागालैंड में, जो कुत्ता नहीं खाते। कोई कोई बहुत सारे लोग कुत्ता नहीं खाते, लेकिन पूरा नागास को लेके घसीट रहा है, गला कटेगा, बॉयकॉट करो नागालैंड नागास को,
नागालैंड को बॉयकॉट करो। आई एम सॉरी इफ आई हैव स्पोकन एनीथिंग अगेंस्ट द एनिमल लवर्स, बट प्लीज डोंट टेक मी इन दैट सेंस। आई एम नॉट अगेंस्ट द एनिमल लवर्स बाय बट आई एम ए पर्सनली आई एम अगेंस्ट हेमा चौधरी हु इज ट्राइंग टू बॉयकॉट नागालैंड एंड ट्राइंग टू कट द नेक ऑफ नागास एंड कॉलिंग द नागास चिंकी बिकॉज द नागास सी थिंग दैट इट्स डॉग मीट। सो दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन हर पार्ट। बट हेमा चौधरी टेक बैक योर वर्ड्स अगेन, आपने सॉरी बोली चिंकी बोल के, सॉरी बोल देने के बाद बात खत्म और फिर घुमा फिरा के मत शुरू कर। अगर तूने फिर से शुरू किया है तो टेक बैक योर वर्ड्स अगेन। आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया, मैं इंडिया का अगेंस्ट नहीं हूँ। जब भी कुछ भी जो भी सिचुएशन आते हैं, हम एनी टाइम एनी वेयर इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ रहूँगा। वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, वी वेयर नॉट अगेंस्ट इंडिया, आर नॉट अगेंस्ट इंडिया एंड वी विल नॉट बी अगेंस्ट इंडिया। ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, हमेशा हम इंडिया के साथ है। जय हिंद।